मिलिए गुप्ता जी से। ये एक मेहनती, डिटेल में काम करने वाले और सभी को खुश रखने वाले आदमी हैं। इन्होंने शुरुआत तो की थी एक एंटरप्रेन्योर बनने के सपने से, पर फंस गए टिपिकल रियल एस्टेट के रास्ते में। इनके पास सब आते हैं और ये सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, पर इस झमेले में वो क्या क्या संभालें। अब मिलिए इस डिवेलपर से जो गुप्ता जी का टाइम, कमिटमेंट और एफर्ट्स सब ले लेना चाहता है, और दूसरी ओर गुप्ता जी बड़ा दिल रखकर सब सिंसियरली डिलीवर करते जाते हैं बिना किसी शिकायत के। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भाई डेवलपर ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो गुप्ता जी को जानता ही ना हो। अब इस कस्टमर को ही ले लीजिए जो गुप्ता जी को बिना कोई टाइम देके कॉल कर लेता है और उनसे सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है, और इनकी रिक्वायरमेंट्स तो देखिए। गुप्ता जी, मैं सोच रहा था कि थोड़ा ओपन ग्रीन एरिया मिल जाए जो नेचर के पास हो। तो और नेगोशिएशंस तो ऐसे जैसे गुप्ता जी कोई सब्जी मंडी में बैठे हो। किलो गाजर लो, बैंगन लो, भिंडी लो, तोरी लो। ये सारा ड्रामा खत्म होने के बाद गुप्ता जी को लगता है कि उनकी बुकिंग तो लगभग हो गई और उनके मन को शांति मिलती है। और हे भगवान, बुकिंग तो कहीं और से ही हो जाती है। कितना कुछ है संभालना पड़ता है, कस्टमर फॉलो अप्स, डेवलपर्स के साथ मीटिंग्स, साइट विजिट्स, उनकी टीम, उफ, लीड कॉन्फ्लिक्ट और डेटा थेफ्ट का चक्कर तो अलग से ही चलता रहता है। इन सब से बढ़ जाता है गुप्ता जी का स्ट्रेस। फ्रस्ट्रेशन में गुप्ता जी हो जाते हैं डिप्रेस। गुप्ता जी, क्या इन सब से परेशान हो? इस परेशानी का हल चाहिए। प्रेजेंटिंग एडलवाइज विंगमैन क्लब। अब देखिए विंगमैन को ही जो गुप्ता जी का पोटेंशियल समझता है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। विंगमैन क्लब के साथ गुप्ता जी आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और तरक्की की ओर चलते ही जाते हैं। विंगमैन क्लब गुप्ता जी को कई बेनिफिट्स देता है, जैसे कि 15 डेज ब्रोकरेज पेमेंट, अट्रैक्टिव स्लैब ब्रोकरेज, गारंटीड वॉक इन सिक्योरिटी, इफेक्टिव कस्टमर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। वाह, अपॉर्चुनिटीज के नए दरवाजे खुल जाते हैं। और देखो, हमारे गुप्ता जी एक बार फिर मुस्कुराते हैं। थिंक बियॉन्ड, बी अनलिमिटेड। विंगमैन क्लब ब्रॉट टू यू बाय एडलवाइज रियल एस्टेट एडवाइजरी प्रैक्टिस।